गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट थर्ड में कार्बोनिल कंपाउंड्स में विटिक रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। विटिक रिएक्शन जो है, इसमें जैसा मैंने आपको यहाँ दिखा रखा है, कार्बोनिल कंपाउंड फॉस्फोरस इलाइड के साथ रिएक्ट करता है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो ये फॉस्फोरस इलाइड है, C6H5O3P+, यानी P पर पॉजिटिव चार्ज है फॉस्फोरस पर, बॉन्ड C इस पर है नेगेटिव चार्ज कार्बन पर, और इस पे दो एल्किल सब्सटिट्यूएंट इस पर जुड़े हुए हैं। इट इज़ कॉल्ड एज फॉस्फोरस इलाइड, यानी विटिग रिएक्शन में दिस फॉस्फोरस इलाइड इज कॉल्ड एज विटिग रिएजेंट। तो विटिग अभिक्रिया में क्या है होता है, इस अभिक्रिया में किसी कार्बोनिल यौगिक यानी एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया फॉस्फोरस इलाइड या फॉस्फोरेन के साथ कराई जाती है। यानी फॉस्फोरस इलाइड को हम फॉस्फोरेन भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर इस अभिक्रिया के बाद हमें प्रोडक्ट के रूप में एक हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन एवं ट्राइफेनिल ऑक्साइड प्राप्त होता है। हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन और ट्राइफेनिल फोस्फेन प्राप्त होता है, जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हो। व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड इज ट्रीटेड विद दिस फॉस्फोरस इलाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, देन वी फाउंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन विच इज़ हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन और ट्राइफेनिल फोस्फीन ऑक्साइड, यानी कि ट्राइफेनिल ऑक्साइड भी कह सकते हैं आप इसको। ये यहाँ पर एज अ बाई प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है, यानी C6H5O3P" एज ए बाई प्रोडक्ट यहाँ से निकल जाता है। तो ये एक्चुअली में यह है एक विटिग अभिक्रिया जो है वो एल्कीन के सिंथेसिस की बहुत ही अच्छी मेथड है। इसमें एल्कीन में जो हाईली सब्सटिट्यूटेड एल्कीन बनती है, इसमें ई और जेड के बारे में आप सभी जानते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री में जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, ई और जेड एल्कीन्स का मिक्सचर इसमें बन सकता है, लेकिन उत्पाद में द्विबंध की स्थिति वही बनी रहती है, सेम बनी रहती है, यानी केवल सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशंस चेंज हो सकती है। इस अभिक्रिया में जो एल्कीन बनती है, इसमें द्विबंध की स्थिति बिल्कुल वही रहती है जो कि कार्बोनिल समूह में होती है। यानी द्विबंध की जो पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड वही रहती है जो कि कार्बोनिल ग्रुप में रहती है, और वही पोजीशन डबल बॉन्ड की प्रोडक्ट में रहती है। तो इस अभिक्रिया में इसके लिए फॉस्फोरस इलाइड को बनाना भी अत्यधिक सरल है। अब फॉस्फोरस इलाइड कैसे बनाया जाता है, ये जो फॉस्फोरस इलाइड यानी जिस विटिग रिएजेंट की बात कर रहे हैं, ये किससे बनता है? इसमें किसी भी प्रोटॉन ग्राही क्षार की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की ट्राइफेनिल फोस्फीन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, जिसमें अभिक्रिया का पहला पद यानी फर्स्ट स्टेप जो है रिएक्शन का, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ट्राइफेनिल फोस्फीन एक अच्छा नाभिक स्नेही एवं दुर्बल क्षार यानी वीक बेस है, और यह प्राइमरी एवं सेकेंडरी एल्किल हैलाइडों के साथ इजीली SN2 रिएक्शन देखता है, और उससे एल्किल ट्राइफेनिल फोस्फोनियम सॉल्ट बनता है। इसी अभिक्रिया का जो सेकेंड स्टेप है, वो एक एसिड बेस रिएक्शन है, जिसमें एल्किल या फेनिल लिथियम जैसा कोई प्रबल क्षार लिया जाता है, जो कि एल्किल ट्राइफेनिल फोस्फोनियम लवण के साथ क्रिया करता है, और फोस्फोरस से जुड़े कार्बन से प्रोटॉन खींचकर या निकाल कर इलाइड बनाता है, यानी ट्राइफेनिल फोस्फीन ट्राई ये फोस्फोरस इलाइड यानी विटिग रिएजेंट का निर्माण करता है। फोस्फोरस इलाइड की
दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है जिसकी वजह से ये काफ़ी स्टेबल भी रहता है। अब हम बात करते हैं विटिक रिएक्शन की मैकेनिज्म की। यह मैकेनिज्म इसमें जो इंटरमीडिएट्स हैं उन वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस अभिक्रिया की क्रियाविधि में इलाइड जो है यानी फॉस्फोरस इलाइड एक कार्ब एनायन की तरह व्यवहार करता है। तो कार्ब एनायन यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल हो गया और कार्बोनिल समूह पर यह न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप जो है वो कौन सी अभिक्रियाएं देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर जो इलाइड है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है और एक अस्थाई माध्यमिक उत्पाद यानी बीटेन बनाता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड और ट्राइफेनिल फॉस्फोरस इलाइड के बीच रिएक्शन हो रही है। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है फॉस्फोरस इलाइड में और फॉस्फोरस पर पॉजिटिव चार्ज। इधर कार्बन और डबल बॉन्ड का ये ऑक्सीजन के बीच का ये बॉन्ड टूटेगा, तो कार्बन जिस पर नेगेटिव चार्ज है फॉस्फोरस इलाइड का, वह कार्बन जिस पर नेगेटिव चार्ज है वह कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बोनिल ग्रुप के पॉजिटिव चार्ज्ड कार्बन पर अटैक करता है, और इधर ऑक्सीजन जिस पर नेगेटिव चार्ज है ये फॉस्फोरस इलाइड के पॉजिटिव चार्ज फॉस्फोरस से जुड़ जाता पर अटैक करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है दोनों के बीच में, और यहाँ पर प्राप्त होता है ऑक्सा फॉस्फीटेन जिसे कहते हैं बीटेन। ये जो बीटेन है इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म में या स्किप करी हुई है, इसमें फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में, चूँकि फॉस्फोरस पर पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो एक चार सदस्यीय चक्रीय संरचना फोर मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑक्सा फॉस्फीटेन बनता है। तो बीटेन में तो क्या है, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग नहीं हुई है, और ऑक्सा फॉस्फीटेन का मतलब यह है कि फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है। तो ये मैंने यहाँ शो नहीं किया इस मैकेनिज्म में, और इसको डायरेक्ट ही मैंने ऑक्सा फॉस्फीटेन और बीटेन एक साथ लिख दिया है। तो बीटेन और ऑक्सा फॉस्फीटेन में ये अंतर है कि बीटेन में फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच अभी बॉन्ड नहीं बना है, ऑक्सा फॉस्फीटेन में फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन जाता है। फोर मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर इज ऑक्सा फॉस्फीटेन। ऑक्सा फॉस्फीटेन का निर्माण बीटेन के द्वारा नहीं होता, बल्कि यह सीधे ही चक्रीय यौगिक में योग द्वारा बन जाता है। ये एक्चुअली में बाद में ई वेज नामक एक साइंटिस्ट ने स्टडी करके बताया। तो लास्ट में ऑक्सा फॉस्फीटेन डिकम्पोज होकर के एल्कीन एवं ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और ये प्रोडक्ट बन जाता है। एक्चुअली में इस विटिग रिएक्शंस की एप्लीकेशन अगर हम देखें तो यह मेनली हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाने के काम आती है यह रिएक्शन। इस अभिक्रिया को देखने में यह लगता है कि काफ़ी लंबे चौड़े प्रोसेस से होने वाली, कई पदों में संपन्न होने वाली अभिक्रिया है और इसके द्वारा एल्कीन का सिंथेसिस काफ़ी कठिन कार्य है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ऐसा नहीं है। ये सारी अभिक्रियाएं एक ही अभिक्रिया पात्र में बड़ी आसानी से संपन्न कराई जा सकती है और कुछ ही आवर्स में इस सिंथेसिस को कंप्लीट किया जा सकता है। तो इच्छित एल्कीन यानी जो भी एल्कीन हमें चाहिए उसके उपयुक्त कार्बोनिल यौगिक एवं उपयुक्त हैलाइड का चुनाव करके हैलाइड यौगिक मेथिल प्राइमरी अथवा सेकेंडरी हैलाइड होना चाहिए और इससे हम एल्कीन का सिंथेसिस करवा सकते हैं। नेक्स्ट है मैनिक रिएक्शन या मैनिक रिएक्शन। मैनिक रिएक्शन में क्या है, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन होता है वो
फॉर्मेल्डिहाइड यानी इसमें ये तीन रिएक्टेंट्स हैं कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन होनी चाहिए। नेक्स्ट है फॉर्मेल्डिहाइड और थर्ड रिएक्टेंट है प्राइमरी या सेकेंडरी एमीन। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है इसमें ध्यान रखने की कि मैनिक रिएक्शन में तीन रिएक्टेंट की ज़रूरत होती है। फर्स्ट है कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन हो, दूसरा है फॉर्मेल्डिहाइड और थर्ड है प्राइमरी या सेकेंडरी एमीन। तो इन तीनों रिएक्टेंट की रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम कहते हैं मैनिक बेस या मैनिक क्षार। तो ऐसे यौगिक जो इनोल बनाने में सक्षम नहीं हो वे फॉर्मेल्डिहाइड तथा किसी प्राइमरी या सेकेंडरी एमीन के साथ क्रिया करके मैनिक बेस नामक यौगिक बनाते हैं। जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख रहे हैं, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एसीटोन लिया है। एसीटोन हैव एक्टिव हाइड्रोजन प्लस फॉर्मेल्डिहाइड और प्लस लिया हमने सेकेंडरी एमीन डाइएथिल एमीन। इससे CH3CO CH2 CH2 and C2H5 का होल ट्वाइस यानी मैनिक बेस हमें प्राप्त होता है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की, मैनिक रिएक्शन की मैकेनिज्म की। तो क्रिया कारकों की प्रकृति और अभिक्रिया मिश्रण के माध्यम की प्रकृति के हिसाब से इसकी क्रियाविधि कई प्रकार से संपन्न हो सकती है। उदासीन अथवा अम्लीय माध्यम में इसकी एक क्रियाविधि को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। जस्ट लाइक सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड जो है इस पर प्रोटोनेशन होगा इसका, क्योंकि जब ये बॉन्ड टूटता है तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन पर क्या जुड़ जाएगा, प्रोटोन, और कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज जो फॉर्मेल्डिहाइड CH2+ CH2OH जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये CH3 whole twice NH के साथ रिएक्शन करेगा। तो नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन पर क्या है, लोन पेयर है, ये लोन पेयर जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उस पर जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3 whole twice NH बॉन्ड CH2OH यानी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्डिंग हो गई, क्योंकि कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है उसे देने के लिए, तो इसलिए इनके बीच में बॉन्डिंग हो गई। नेक्स्ट स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है यानी CH2 ग्रुप से जुड़ा OH और नाइट्रोजन से जुड़ा H, ये H2O के रूप में निकल जाएंगे। तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और ये बन गया CH3 whole twice N double bond CH2 N पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। दिस इज कॉल्ड एज इमीनियम सॉल्ट और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में रह रहा है दूसरी स्ट्रक्चर CH3 whole twice N, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, बॉन्ड CH2, इसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। करेगा